नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है, एक ऐसी घटना जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की की दिन दहाड़े रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की का मर्डर हो गया। मृतका का नाम नरगिस है। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में करीब 22-23 साल की लड़की नरगिस पर एक पार्क में लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। सिर पर लोहे की रॉड मारने से वह बुरी तरह जख्मी हो गई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान संगम विहार में रहने वाले 28 वर्षीय इरफान के रूप में हुई है। इधर पुलिस ने लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल लड़की के परिवार ने नरगिस की शादी इरफान से करने से मना कर दी थी, जिसके बाद इरफान काफी परेशान चल रहा था। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है और लोगों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। घटना के संबंध में DCP साउथ चंदन चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा, ये घटना पार्क में घटी है। लड़की कॉलेज स्टूडेंट है और अपने किसी दोस्त के साथ वहां आई थी। यहां यंग लड़के लड़कियां घूमने आते रहते हैं। बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है। छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की है। उसके सिर पर चोट के निशान है और उसे लोहे की रॉड से मारा गया है। छात्रा यहां क्या करने आई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस खबर में हमारे साथ सहयोगी थे अमित कुमार और एकाग्र गुप्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खबर फास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।